आज मैं दिखाने वाला हूँ हिमालय का स्वर्ग, जो 2018 में मेरा लास्ट जर्नी था गुरु डोरमा का, उसका तीसरा दिन। उससे पहले सल्यूट है मेरी सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और अभी अभी जो नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। गैंगटॉक से मंगनान होकर लाचेन का जो सफर था बहुत ही मुश्किल और एडवेंचर से भरा हुआ था। कंचनजंगा का व्यू, तीस्ता नदी के साथ चलना, ऊपर से झरनों का गिरना आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, बी नेचुरल बी सिंपल। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंचनजंगा मेरे पीछे देखिए, कंचनजंगा साफ साफ दिखाई देगा आपको। और ये रहा मेरा बाइक। मेरा जो गुरु डोरमा लेक का सफर है उसका आज तीसरा दिन है। ये देखिए बाएं तरफ आप उसका आज तीसरा दिन है। जो सफर आज मैं गैंगटॉक से शुरू किया हूँ लाचेन तक कवर करने का आज प्लान है। डिस्टेंस कवर करने वाला राइड है जो मैं हुगली से गुरु डोरमा लेक के लिए कर रहा हूँ। सेवन सिस्टर वाटरफॉल ये पास में रेस्टोरेंट है, वहाँ से पता चला।
साफ हो रहा है, पत्थर शायद ऊपर से गिरा हुआ था शायद, तो क्लीनिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ समय मेरा वेस्ट गया। रास्ता तो काफी खराब है। ये रास्ता का ढलान देखिए, मैं बाइक अगर बंद करके न्यूट्रल कर देता हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे की तरफ चली जाएगी। दूर से देखिए, ये वन साइड का पानी ठीक वाले रास्ते से निकल जाऊंगा।
मंगनान में क्रॉस कर चुका हूँ। मंगनान से मैं कुछ खरीद लिया हूँ, जैसे आप हैंड ग्लव्स, -6 डिग्री ठंड है तो मैं हैंड ग्लव्स मुझे दरकार था तो मैं खरीद लिया, और बाम्बूड भी खरीद लिया जो आगे राइड में मुझे दरकार पड़ेगा। जार खरीदा इसलिए क्योंकि मंगनान लास्ट पेट्रोल पंप था मंगनान में, तो मैं जार खरीद का पेट्रोल फुल करा लिया हूँ और टैंक भी फुल करा लिया। आप लोग अगर गुरुडोरमार्ग लेक के लिए अगर राइड करते हैं तो याद रखिएगा मंगनान ही लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आपको जार भी मिल जाएगा, तो आप लोग जार लेकर पेट्रोल फुल करा सकते हैं क्योंकि आगे जाकर पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है। और पेट्रोल पंप से थोड़ा से ही ऊपर उठने से आपको बाइक रिपेयरिंग सेंटर मिलेगा, तो आप वहाँ पे बाइक भी चेक करा सकते हैं। वैसे मैं डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में जो बाइक का जो ये लड़का है उसका नंबर मैं दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं नंबर। और एक वाटरफॉल, ये पिछले वाली वाटरफॉल से भी हाइट में अधिक है। और ये रोड बहुत ही बुरी अवस्था में है, काफी कच्ची रोड है, पता था ऑफ रोड होगा। अभी तो एडवेंचर्स गुरुडोरमार्ग राइड को एडवेंचर्स कहा गया है। ये पूरा ये सामने पूरा झरनों के पानी से पूरी भीगी हुई रास्ते भाग, भैया ये कौन सा वाटरफॉल है, नाम क्या है इसका? नागा वाटरफॉल। सामने टी स्टॉल है, तो काफी ठंड भी है, तो टी तो बनता ही है।